हमारे हसन तुम्हें बुलाना मतलब क्या वो है क्या? पता कर लो किससे पता करूँ मैं? 3,000 समझते हो कितना होता है? 3,000 का काम है। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मैं ना अभी आपको चीकू की एक हरकत दिखाऊंगी, यही बैठा हुआ है। जैसे मैंने चीकू बोला ना, वैसे इसने सुना कि इसके बारे में कुछ बात चल रही है। चलाक तो मतलब इतना है ना ये, बस मैं वो क्या बताऊं। बहुत तेज हो रहा है। अभी ना मैं कुछ नहीं बोलूंगी इससे, मैं ना बस वो जो चाबी होती है ना नीचे जाने के लिए, वो चाबी लेने जाऊंगी। फिर ये देखना तरीके से पागल हो जाएगा, इतना दिमाग है इसके अंदर। अभी आप देखना, मैं आपको इसका रिएक्शन दिखाती हूँ। इसको पता चल जाता है कि हम इसको ना सोच रहे हैं घूमने लेके जाने की। अभी आप देखना क्या हुआ। देखो तो कुछ कही नहीं मैंने। क्या हुआ, क्या हुआ चीकू, क्या हो गया? ये बस अभी एक्टिव हो गया, एक्टिव मोड में आ गया ये। घूमने चलना है? घूमने चलेगा, आ जाओ चलते हैं। चलो 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 घूमने चलते हैं, चलो नीचे आ जाओ। चलो 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 चल, छोड़ नहीं जाते, चल नहीं जाते, रहने दे। क्या करेंगे नीचे जाके? कहाँ भाग रहा है तू? चल इधर, कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहे? मजा आ रहा है तेरे को नीचे घूमने में है? चीकू चीकू तेरे दोस्त मिल, तुझसे मिलना है। तुम मेरा दोस्त? आज ना मेरी चने की दाल खाने का पता नहीं कैसे मन कर गया एकदम से। वैसे तो मैं दाल बहुत कम खाती हूँ, लेकिन आज एकदम से मन कर गया मेरा तो। और जब ये भी होता है ना, वो देसी घी का तड़का जब लगता है ना दाल में या किसी भी चीज में, तो उसको और ज्यादा खाने का मन कर जाता है। मेरे को ना पर्सनली देसी घी बहुत पसंद है। मतलब जो कुछ लोग रिफाइंड वगैरह यूज करते हैं ना, मेरे को उसमें मजा ही नहीं आता खाने में, पता नहीं क्यों। जब तक मुझे देसी घी खुशबू ना आए ना खाने में, तब तक मेरा मन ही नहीं करता खाना खाने का। तो मैं आज चने की दाल बनाने जा रही हूँ और उसमें मैं देसी घी का तड़का लगाऊंगी खुशबू वाला। मेरे साथ ना क्या होता है, जब तक ये पानी बिल्कुल सफेद ना आ जाए ना, मतलब बिल्कुल साफ पानी, तब तक ना मैं धोती रहती हूँ दाल को। मतलब मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, मुझे ऐसा लगता है जैसे गंदी रह गई दाल, इसलिए जब तक इसमें पानी व्हाइट नहीं आ जाएगा, मैं उसे धोती रहूंगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसान ने कितनी अच्छी चीजें बनाई हैं। उसमें से जो एक चीज है वो है चॉपर। जो प्याज होती है ना, प्याज इतनी तेज लगती है आंखों में, अगर ये चॉपर ना होता फिर तो मैं रो रो के बिल्कुल ही मर जाती। मतलब मुझे ऐसा लगता है, इतनी ज्यादा आंसू निकल, मेरे तो बहुत ही ज्यादा आंसू निकलते हैं। मतलब मम्मी जब पहले प्याज काटती होती थी ना, शादी से पहले कुछ बनाती होती थी, तो मेरे तो ऐसे पानी निकलने लग जाता था, मेरा बैठना ही मुश्किल हो जाता था। तो अच्छा है कि ये चॉपर है। मम्मी तो पता नहीं क्या क्या कर लेती हैं, मेरे तो आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ जाते हैं। मैंने सोचा था कि मैं चॉपर यूज कर रही हूँ तो मेरी आंखों में पानी नहीं आएगा, लेकिन मैंने मतलब प्याज काट के, आपको चॉपर में थोड़ी बहुत डालनी होती है ना, तो मैं काट रही थी, इतने में मेरे इतना ज्यादा पानी आ गया और इतनी ज्यादा जलन मच गई मुझे। अब मैं पानी की छींटे मारूंगी अपनी आंखों में। दम लगा के हमेशा मुझे तो ना खाना बनाते बनाते भूख लगने लग गई, तो फ्रिज में डेयरी मिल्क पड़ी थी, वो खा रही हूँ। मतलब कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि अगर मीठा ना बनाया होता इंसान ने तो क्या होता। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है मैं मीठे के लिए जिंदा हूँ, मीठे के बिना मैं रह ही नहीं सकती। वैसे तो मुझे सिल्क बहुत अच्छी लगती है, डेयरी मिल्क सिल्क, लेकिन नॉर्मल डेयरी मिल्क भी अच्छी लगती है। मुझे ना वो जो टमाटर आते हैं ना मुंह में छिलके छिलके, वो अच्छे नहीं लगते, तो मैं पीस के डालती हूँ टमाटर। अभी मैंने मसाला पकने के लिए रख दिया, अब मैं सोचू 2 मिनट जाके ना इसी में बैठ जाऊँ, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। A few moments later. भाई चने की दाल तो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। Okay. मीनाक्षी पता क्या हुआ, क्या हम आ गए ना मॉल। हाँ? सिमरन, अच्छा वहाँ पे हम सूट सिलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने पता है क्या हमें डिस्काउंट दे रखा था, लेकिन सभी के लिए, कि अगर आपने एक वैक्सीनेशन का एक डोज लगवा रखा है तो 10%, अच्छा, और अगर दो डोज लगवा रखे हैं तो 15%। अरे वाह। तो मैं और मेरे फ्रेंड गए थे, उसने, मैंने तो एक ही डोज था, उसके दो डोज हो चुके थे, बिल कटवाया 50% डिस्काउंट दिया। सही है, ये तो पहली बार सुना है कि वैक्सीनेशन के बेस पर डिस्काउंट। हमने मुंह से बोला और मान भी गया, मतलब हमने करवा रखा। अच्छा? हाँ, उसने देखा कुछ नहीं, ये कैसे देख तो लेता। नहीं नहीं, आप कह रहे हो तो सही कह रहे हो, झूठ थोड़ी बोल। अरे वाह। Eventually. कुछ लोगों ने कमेंट्स में बोला था कि घर में पीपल का पौधा नहीं होना चाहिए, तो मम्मी ने एक भैया को बुलाया, मतलब वो बताएंगे कि वो पीपल का पौधा कैसे वहाँ से हट सकता है। अब मैं ऊपर जाके देखती हूँ कि भैया क्या बोल रहे हैं। ये कैसे करोगे इसको, बताओ इसको कैसे करोगे? ये वाला पौधा है मम्मी, ये वाला प्लांट, और वो वाला है एक, और उसे कटाई करनी पड़ेगी, वो भी कटाई करनी, और ये वाला के देखेंगे, नहीं तो थोड़ा सा साइड से कटा कर देंगे। हाँ, और फिर उस खड्डे में भरना पड़ेगा। खड्डे में भरना पड़ेगा, क्या भरोगे? तेजाब। तेजाब भरोगे? तो पहले जो हमने तेजाब डाला उससे तो हुआ नहीं, ऐसे डालने से नहीं। तो कौन सा वाला तेजाब लेके आओगे? यही वाला तेजाब आएगा, तेज वाला नहीं, जिसमें हम टैंकिंग के साथ।
वो तो इसी से जाएगा, लेकिन पीपल का पेड़। तुम्हारे हसन तुम्हें बुलाना मतलब क्या है, वो है क्या? अब पता कर लो किससे, पता करूँ मैं? 3000 समझते हो कितना होता है? 3000 का काम है आज के टाइम में, कुछ भी नहीं होता। चलो हाँ, आज के टाइम में तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। मैं बिल्कुल जो हमारी ऊपर वाली छत है ना उस पे आ चुकी हूँ। वहीं पे पीपल के 2-3 पौधे हैं, तो मम्मी ने भैया को बुलाया। भैया बोल रहे हैं इसमें तेजाब डलेगा तभी शायद वो हट जाएंगे, तो तेजाब के लिए भैया कह रहे 3000 रूपए। 70 में एक ही पौधा था तो उसको कई बंदे उसने कटवा लिए थे। अच्छा, लेकिन फिर निकल आता था वो। अच्छा, फिर लास्ट में मैं गया, मैंने बोला उनसे कि 2000 रूपए खर्चा होगा, जड़ जिंदगी में नहीं आने का। ठीक है, उसके बाद नहीं आया? नहीं है, मतलब ही नहीं, आज तक नहीं आया। तो लेकिन जैसे मम्मी के मम्मी तो कह रही थी ये वाला पेड़ का खतरा लग रहा मुझे, क्योंकि इस पेड़ का मुझे नहीं पहुंच पाऊंगा। कौन सा वाला? ये वाले, ये दीवार पे है ना ये। हाँ, अच्छा, मतलब इसका आपको डाउट लग रहा है। लॉकडाउन चल रहा है और आप जैसे कि देख सकते हैं सब लोग ना बाहर निकल के बैठ गए हैं अपनी छतों पे। जब छत पे रहते हैं ना थोड़ा सा मतलब हवा लगती रहती है, नीचे तो ऐसा लगता है जैसे बहुत गर्मी है। अगर आप एसी चला लो तो ठीक है, एसी ना चला तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, लेकिन यहाँ पर इतनी हवा मतलब थोड़ी थोड़ी हवा लग रही है, मतलब यहाँ पे आके थोड़ा सही लग रहा है। मुझे लगता है जो टेरेस होती है ना वो बहुत लोगों के ना बात करने का वो स्पॉट होता है। हर कोई ना यहाँ पे फोन पे बात कर रहा है, ये आंटी फोन पे बात कर रही है और भी है कोई जो फोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको आपको दिखा नहीं सकती जूम करके क्योंकि वो इधर ही देख रहे हैं। वो आंटी आपको दिख नहीं चलती, वो मैं थोड़ा जूम करती हूँ ऊपर छत पे। अरे वो सब चली गई। इस वक्त मैं पतिदेव को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, काश पतिदेव होते और हम यहाँ छत पे ऐसे हाथ में हाथ डाल के वॉक कर रहे होते, कितने मजे आते हैं ना, कितना रोमांटिक है। हम चीकू को ऊपर नहीं लेके गए तो चीकू उदास हो रहा है, सैड हो रहा है। चीकू तेरा का क्या ऊपर छत पे, तू हटाएगा पीपल का पेड़? नहीं, इतना गोरा कैसे लग रहा आज तू? प्रियंका को तो आप सब जानते ही हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ, राहुल की छोटी सिस्टर। उसका आज मेहंदी का फंक्शन है, 2 दिन बाद उसकी शादी है, तो ग्रीन थीम था तो मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है और साथ में बिंदी भी लगाई है, तो सुंदर सुंदर बिंदी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं, मम्मी और पापा अभी निकल रहे मेहंदी के फंक्शन के लिए और पतिदेव सीधा ऑफिस से वहाँ पे आएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि पतिदेव जल्दी ऑफिस से आ जाए। हमारी जीना दमान भी रेडी हो चुकी है। मम्मी जरा एक बार थोड़ा अपनी झलक। मम्मी आप बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। तीनों ग्रीन में तीनों गजब ढा रहे हैं। कैसा लग रहा है मम्मी, प्रियंका की शादी होने वाली है, आपको हमारी शादी दिन याद आए होंगे? पापा कैसा लग रहा है? आज मेहंदी का दिन है, हमारी मीनाक्षी की मेहंदी वैसी हुई थी, हरी हरी हरियाली हरियाली बहु आ गई आपके घर। चलो चलो चलते हैं, लेट हो रहा है। अब सब लोगों के माइंड में ये बात घूम रही होगी कि हमारे ना फंक्शन से फंक्शन हो रहे हैं, किसी का बर्थडे हो रहा है, कभी एनिवर्सरी हो रही है, कभी कुछ फंक्शन हो रहा है ये, लेकिन चांस की बात है कि सबके बर्थडे एनिवर्सरी सारे एक साथ ही आते हैं, तो हम ना एक साथ ही सेलिब्रेशन कर लेते हैं सारी की सारी। क्या कह रहे हो साथी? बंटी भैया बस अभी आने वाले हैं। लेट है वो। चाची जी, चाचा जी, आज प्रियंका की मेहंदी है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। क्यों हो रही है कि प्रियंका जा रही है? नहीं, अपने घर ससुराल जाएगी, वहाँ खुश रहेगी। चाची आप बहुत मिक्स है, मिक्स फीलिंग है। मेहंदी में सबसे पहले मैंने पतिदेव का नाम लिखवा लिया है, इतना तो रोमांटिक साउंड कर रहा है और मुझे अपनी मेहंदी की याद आ गई जब मैंने उसे पतिदेव का नाम लिखवाया था। मम्मी आपने पापा का नाम कहाँ लिखवाया बताओ? लिखवाया ही नहीं क्या? लिखेंगे। आप इतना लेट क्यों आए हो आज? किसी जगह टाइम पे पहुंचना होता है कि नहीं पहुंचना होता? मैं टाइम पे आया हूं, लेट आई है। अच्छा, हाँ। लोगों ने देखा है, हमारी ऑडियंस ने देखा है कि मैं पहले पहुंच गई थी मम्मी पापा के साथ, चोर की दाढ़ी में तिनका, आपकी दाढ़ी में तिनका दिख रहा है मुझे। ये देखो टैटू दिखाया तूने? दिखाया था, राहुल का टैटू, क्या बात है। और ये राह की प्रिया, क्या बात है। और ये वही वाली जादुई रिंग है जिसको बड़ा करके कंगन बन जाता है, दिखाइए एक बार। जादू देखो, जादू, ओए खोली नहीं रहा, तोड़ मत दियो। अच्छा खुल रहा है, ओए होए जादू, क्या बात है। मीठे की दुश्मन, ये मीठे की दुश्मन इसलिए है क्योंकि जहाँ इसको मीठा दिखता है मीठा खत्म कर देती है, जान से मार देती है मीठे को खा के। देसी घी गुलाब जामुन है तो तू मीठे की दुश्मन? तभी मैं इतनी मीठी हूँ, देखा नहीं आपने लोग मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं कि भाभी नोबिता भाभी बहुत वो है स्वीट। वाह, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बड़ी दीदी सिखा रही है, सीखो। तो वो बड़ी दीदी फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे तो सिखा रही हूँ, सीख लो। क्या सीख लो? राहुल जी से हम बात करेंगे, जी लगाना जरूरी होता है। अरे वाह बड़ा, तू मेरे को बोलती है राहुल भैया, चलो गलती से उसको राहुल भैया निकल गया तेरे मुंह से, तो नहीं उनको राहुल भैया कैसे? फिर क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? चलिए बता दे। ओए होए शर्मा गया, ओए होए शर्मा गई का? नहीं किसका बिट कर रहे? चलो यार हम धक्के का। ये बढ़िया था गुरु, कोई धक्का देगा चलो निकलेंगे। प्रियंका के फंक्शन में हमने किया बहुत ज्यादा एंजॉय। प्रियंका ऑल द बेस्ट शादी के लिए, और खत्म करने से पहले एक बार खुशहाली दीजिए।